मेरठ के पौश इलाके शास्त्री नगर में प्रहलाद नगर की तरह ही पलायन का एक मामला सामने आया है, जहां लोगों ने अल्पसंख्यकों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार और छेड़खानी के चलते अपने मकानों से पलायन करने का फैसला कर लिया है। शनिवार सुबह शासन प्रशासन उस वक्त हरकत में आ गया जब शास्त्री नगर सेक्टर 8 इलाके में लोगों ने अपने घरों के बाहर बिकाऊ है के बैनर टांग दिए, लेकिन बाद में वहां पुलिस ने उन बैनर्स को हटवा दिया। लेकिन इलाके में मुश्किल झेल रहे लोगों का कहना है कि वो मीटिंग करने के बाद एक बार फिर से बैनर्स लगाएंगे, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके हैं कि अंततः उन्हें अपने मकानों को बेचकर कहीं और जाना होगा। फर्स्ट बाइट से बातचीत में सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज पुंडेर है। यहाँ पर क्या हुआ था मामला? यहाँ पे ऐसे कोई 1.5 साल पहले से, 2 साल के करीब हो गए, हम उन्होंने मकान लिए हैं। अब उन्होंने ले लिया, कोई बात नहीं, वो भी इंसान, हम भी इंसान, चलो कुछ नहीं है। अब 6-7 महीने से अति ज़्यादा हो रही है। अब उनसे पूछा ना किसका आया, तो उनका वो मेरा खालू है, वो मेरी खाला है, वो मेरी पुप्पो है, ऐसा कर 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 4-4, 6-6 आने लगे। एक बाइक पर 4 बच्चे, बच्चे क्या पूरे मतलब जवान लड़के हैं, टोपी लगा के बाकायदे आते हैं। और उस जो गेट है, 2 गेट हैं हमारे इसमें कॉलोनी में, उस गेट की खिड़की बंद रहती है, थोड़ी सी खुली रहे, निकल जाए इंसान तो बाइक लेकर तो किधर से आएगा, 3 उस खिड़की में को निकल के आएंगे। और आगे आके 4 बैठे भद्दे भद्दे कॉमेंट्स कस के और गंदी गंदी गालियाँ, और मैं आपको बता नहीं सकती जितनी गंदी लैंग्वेज में वो बात करते हैं, और ऐसा करके निकल जाएंगे। फिर कहेंगे लैला हमने यहाँ पे वो बनानी है मस्जिद, तुम्हें हिम्मत हो तो रोक लो हमें। कितने टाइम से चला आ रहे हैं इस तरीके का? बता तो नहीं, 6-7 महीने से ज़्यादा अति हो रही है। बच्चियों का घर से बाहर जाना दुश्वार हो रहा है, स्कूल बाहर गेट तक हम छोड़ कर आते हैं, वहाँ से बस में बिठाते हैं, उसके बाद में फिर लेने जाते हैं बच्चों को। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब तो हम 6-7 महीने से ज़्यादा परेशान हैं। तो ये जो मकान बेचने की नौबत आ गई है, कुछ लोगों ने शायद बेच भी दिए हैं, तो क्या ये क्या रहा है अब तक बताइए? बस उन्हें 2-4 लोग तो लालच में आ गए, फिर दूसरा तीसरा यूँ आ गया कि भी मेरा पड़ोसी जब मोमडन हो गया तो मैं रह कर क्या करूँगा, अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसी वजह से सब बेच बेच जा रहे हैं। रात एक और हैं उधर ही, लाला हैं दुकान वाले, उनका बयान आ गया मकान का, सब ने उन्हें समझाया कि चलो हम हिंदू को दिला देंगे, अब मत बेचो, जो बेचने थे वो तो बेच चुके, अब तुम मत बेचो। कह रहे नहीं मैं तो बेचूंगा, मेरा तो बयान आ गया। मैंने कहा जब भी तुम बेच रहे हो तुम्हें बेचना ही है तो फिर हम भी अपने बेच दें, प्रशासन कोई हमारी सुनता नहीं। क्या आप भी मकान बेचने के फिराक? हम तो सब बेचेंगे, सब ने हमने रात मीटिंग कर ली। अच्छा। और हमने अपने बैनर भी छपवा लिए हैं। और पर अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले पुलिस आई थी, तो ये बैनर उन्होंने हटाने के लिए कहे आपको, आप लोगों ने बैनर? उन्होंने ही हटाने के लिए कहा, लेकिन वो अपने आप ही हटा के गए, लेकिन हम अपने आप अभी चिपकाएंगे इन बैनरों को, हाँ दोबारा लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। क्या चल रहा है यहाँ पे पलायन के मामले में, आपका क्या कहना है? बस पलायन के मामले में ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मतलब मुस्लिम है, अभी यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाओगे एक मकान खाली पड़ा है, उस मकान के कागज भी नहीं है, बस उस पर मुसलमान ने कब्जा किया हुआ है, रहता नहीं है, और नाम लिखा है उस पर संजय त्यागी का, ठीक है। आगे भी आप उधर जाओगे, अभी एक हफ्ते पहले दूसरी गली में घर के सामने से साइकिल उठा के भागा। अच्छा। उसके पीछे भागे तो साइकिल छोड़ के खुद भाग गया, आंटी की चैन, भैया के उधर सामने वाले को उनके 2 फोन छीने बाहर ही। अच्छा। तो मतलब जब अगर ये चलता रहेगा तो फिर यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है, सभी लोग अपना मकान ही बेच के जाएंगे। बस पीछे भाई अगर हमने वहाँ गाड़ी बिठा रखा है तो गाड़ी ये तो ये कहते हैं कि मेरे खालू का है, मेरे फूफो का है, सबका है, अब उसे थोड़ी ना पता कि कौन आदमी क्या है, चोर आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मतलब इस तरीके की हालात हो गए कि वो लोग अनजान लोगों को भी यहाँ पर लेकर आते हैं उनके यहाँ, इनका तो रवैया ही ऐसा होता है, 1 के साथ 10 ही चलते हैं इनके, तो भाई परिवार इनका ऐसा होता है। अब यहाँ पर हमारा मंदिर बना हुआ है, कुछ टाइम बाद यहाँ से हो जाएगा कि मंदिर की जगह मस्जिद होगी वहाँ पर, देखो। तो पुलिस से आपने जब शिकायत करी इस पूरे मामले को लेकर, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि बस हम कार्रवाई करेंगे, आए थे CO साहब, आए थे सिटी साहब, आए थे, बस वही जैसे पहला नगर में हुआ था वही होना है, बाद में रिपोर्ट यही जाननी है कि सब नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर मामला नॉर्मल है, लेकिन आप लोगों से बात करके जो मुझे आपका जो तकलीफ है वो महसूस हो रही है कि यहाँ पर सच में ये मामला है। तो प्रशासन से आगे की कार्यवाही के लिए आप लोग क्या कदम उठाने वाले? अभी शाम को जब सब लोग इकट्ठा होंगे फिर अपना मीटिंग करके जब जब ही पता चलेगा कि क्या होना है, इसमें क्या नहीं होना है। नाम क्या है?
माया रानी। ये पूरे मामले के बारे में आप बताइए। देखो पूरे मामले के बारे में तो ये है, हम मकान मुसलमानों को नहीं बेचना चाहते, आप बेचेंगे तो बस सब सारे बेचेंगे हिंदू के। हमारा यही है कि सोसाइटी बहुत ख़राब हो रही है यहाँ पे। आवे चार चार आवे मोटरसाइकिल बैठ के सीटी बजा के जावे, लड़कों को छेड़ेंगे, ज़्यादा से बच्चों को छेड़ रहे छोड़ रहे आजकल तो, ये तो आपको पता है मीडिया में रोज अखबार मारी है, तो जो जो बात गलत है तो गलत ही है। देखो तो मतलब इस तरीके का यहाँ पर इतना डरा दिया है, दहशत में ला दिया लोगों को, दहशत मतलब लोगों को सबको दहशत से होगी, बड़े बुजुर्गों को भी दहशत से होगी, जिसमें मध्य में थे उन्हें हमसे ज्यादा दहशत हो रही है। उन्हें बस भेज दो, मैं नहीं भेजने की हूं। हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, देखो बिल्कुल भी। तो गली में निकलने में जो भी तकलीफें होती है वो सब बताइए। गली में बस यही दिक्कत है, बोले हमें मोटरसाइकिल बैठ के इधर इधर कोटे थे, इधर को कर लेंगे, इधर कोटेंगे, इधर कर लेंगे, बताओ कहाँ तक किधर कोटे हम, जब मुसलमान के इतने सारे आ जाएंगे तो कहाँ कोटेंगे बताओ। हम यो नहीं कहते सब मुसलमान एक से होते हैं, पर उनमें कुछ गलत जो आ जाते हैं ना वही नुकसान के लायक हो जाते हैं बस। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? पूनम गोयल। आप बताइए इस मामले में। बस यही हमारी परेशानी है जो उन्होंने सबने बताया है। तुम आप भी अपना मकान बेचने के बारे में सोच रहे हो? हाँ जी, जब ये सब बेचेंगे तो मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ रह के। तो क्या आपने भी कोई इस तरीके की परेशानी फेस करी है? ये हमें मुसलमानों से ही दिक्कत है, हमें और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है। इस ये पलायन के मामले में आपका क्या कहना है? कहना क्या, परेशान है, बच्चे बच्चों के साथ है, छोटे बच्चे भी हैं, लड़कियां जवान हैं, हम भी हैं, एक एक बाइक पर तीन तीन चार चार लड़के आते हैं, परेशान करते हैं, इधर से निकलेंगे हूँ हूँ करते उधर को लेकर जाएंगे। तो क्या आप भी अपना मकान बेचना चाह रहे हो? बेच रहे हैं, हमने उस पर लगा पोस्टर, हम क्या करेंगे यहाँ, परेशान है तो करेंगे क्या। सामने हमारी गली है, नाले से पल्ली तरफ पहले सब हिंदू थे, बड़े आराम से रह रहे थे, अब सारे मोमडन आ गए, छतों पर खड़े हो जाएंगे, कहीं फायरिंग करेंगे, बदतमीजी करेंगे, हू करेंगे, उधर तो निकल नहीं सकते, अब इधर भी यही हो गया, तो करें क्या, हाँ करें क्या। तो बेचने तो ये जो अभद्रता वो करते हैं, इस पर आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? कोई नहीं सुनता, कितनी बार कर लेके इतनी बार करें, अब यही काम थोड़े रह गया, उधर बच्चों के पेपर हैं, पढ़ाई लिखाई है, रोज वहीं थोड़े खड़े रहें, कहीं सुनवाई नहीं होती, वो तो थोड़ा सा मामला गरमाया तो किसी ने कह दिया कि आए नहीं वो नहीं, नहीं कोई नहीं पूछता। अच्छा, जो पुलिस अभी यहाँ पे आई थी उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी या आपके साथ उन्होंने कोई बस दबाना क्या, भाई कौन सुनता है, छोटा आदमी को कहाँ सुनेंगे, जाएंगे कार्रवाई होगी, जाओ अपने घर, बात खत्म, ये तो नहीं होगा, इसके बाद क्या होना, कुछ नहीं होना, जाँच ही। तो मतलब आपके पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो पलायन का बचता है कि आप लोग सब यहाँ से? बस ये इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी में करेगा इंसान। हमारे पास इतने पैसे इन मकानों में लगाए हैं, आप देखो मकान बनाना आज के जमाने में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अपने दो पैसे कैसे कैसे करके हम लोग बचाते हैं, तब जाकर मकान बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पे भी काफ़ी खर्चा करते हैं। तो हमने कोई 24 साल पहले मकान लिया था, इसलिए थोड़ी ना लिया था कि बना के बेच के चले जाएंगे, हमने तो ये लिया था कि बना लिया बच्चे आगे तक रहेंगे, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है, अब क्या करें, जो समय करा दे। आज हम कितने परेशान हैं, हमारे जी से पूछ के देखो कि हमारे जीवन की क्या पूंजी थी, एक ये मकान थे, ये दूसरा ये बच्चे, ना हमारे मकान सुरक्षित है ना हमारे बच्चे सुरक्षित है, बेटियां कहाँ लेकर जाएं बेटियों को, इनके तीन बेटियां कहाँ लेकर जाएंगे अपनी बेटियों को। क्या नाम है आपका? सुनीता। बताइए यहाँ पे जो भी पूरा मामला चल रहा है, ये जो आप, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी वहाँ पे देखे कि लोगों ने बार बार यहाँ पे पुलिस आई, उन्होंने इन बैनर्स को हटवाया, जबरन हटवाया है, वापस लोगों को लगाना पड़ रहा है, इतनी परेशानी यहाँ पे महसूस हो रही है लोगों को। आप बताइए किस तरीके की तकलीफ आप यहाँ पर, हमें प्रोटेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम बिल्कुल अपने बच्चों को लेकर, अपने मतलब अपने आप को भी लेकर हम सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ, तो हम तो चाहते नहीं कि मोमडन यहाँ आए, मोमडन दूर ही रहे, ऐसी इस मजबूरी में तो सब बेच रहे मकान, फिर क्या करें, मुसलमान कोई बसा लेंगे हम, बताओ। सही बात। तो ये जो आज मामला गरमाया, इससे पहले आप तकलीफ झेलते आ रहे हैं कि आपने कोई कंप्लेंट की थी या पहले पुलिस यहाँ पर सुध लेने आई थी? पहले तो इसके बारे में हमने किसी को इतला नहीं करी, चोरी चुप्पे मकान बिक गए एक दो, हमें पता भी नहीं पड़ी, अगर पता होता तो हम बताते, जब मकान बिक जाता है रहने लग जाते हैं, जब पता लगता है कि आज इसने मकान बेचा है और ये रहने लगे हैं। तो दूसरों की वजह से अब आपको भी मतलब ये नौबत आ गई है कि आपको भी मकान बेचना पड़ेगा? जी वो तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्ट कौन करेगा, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा, चोरी चपारी। अभी मेरी लड़की की 4-5 महीने हुए सिया की साइकिल चोरी हो गई, हम बाहर अंदर ही गए एकदम उठा ली, पता ही नहीं चलता कौन बाहर गेट से आ रहा जा रहा, पता ही नहीं चलता।
लोगों के घर बेचने के फैसले के बाद जाहिर तौर पर माहौल गर्मा गया है और लोगों ने अपने घरों को बेचने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद वहां पुलिस ने भी ऐसे डेरा डाला जैसे किसी घटना के बाद पुलिस बल माहौल की संगीनता को देखते हुए तैनात रहता है। लेकिन फर्स्ट बाइट से बातचीत के दौरान पुलिस ने बताया कि माहौल शांत है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद है सर, वो पलायन का नाम दे रहे हैं इस मसले को और उनका कहना है कि उन्हें अपने घर यहाँ पे छोड़ के जाने पड़ेंगे क्योंकि वो दूसरे पक्ष के लोगों से परेशान है। आपका इस पे क्या कहना है? जी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब बेकार की अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग जिनका यहाँ पर घर है वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, बेचने पड़ेंगे क्योंकि उनकी बहन बेटे यहाँ पर सुरक्षित नहीं। जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारी नॉलेज में तो कुछ है नहीं। लेकिन आप इस वक्त यहाँ गली में मौजूद हैं किसी वजह से होंगे, एक नहीं यहाँ पे इतने सारी पुलिस फोर्स मौजूद है, तो क्या उसका रीजन है, आप यहाँ पे क्यों हैं? देखो शाम का टाइम है, हमारा तो काम है, कभी हम यहाँ पे चेक इन करते हैं कभी उधर चेक इन करते हैं, चेक इन करने का काम है हमारा। लेकिन जो एक और वहाँ पे शख्स मुझे मिले हैं उनका कहना है कि आपने उनसे प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर ऐसा जो भी मसला चल रहा है वो अब नहीं। नहीं नहीं हमने तो ऐसा किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो पलायन का यहाँ पर कोई मामला नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल किसी प्रकार का कोई नहीं। क्या नाम है आपका? सुशील। ये जो पलायन का मामला चल रहा है, सभी यहाँ पे जो लेडीज बैठी हैं उन्होंने बताया किस तरीके की तकलीफ बींगा मैंने यहाँ पर आपको क्या तकलीफ है, या फिर क्या जो मकान बेचने की नौबत तक आ रही है इस पे आपका क्या कहना है? यहाँ पे जो सभी हैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली हैं, सामने पहले पूरी कॉलोनी अपने हिंदू की होती थी, पीछे पूरी होती थी सारी, अब यहाँ पे पूरा सारा खाली हो गया, इधर भी खाली हो गया, चलो वो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है बताई दिया, वो घटनाएं होती रहती हैं बहुत। अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे तो सब मिडिल क्लास लोग हैं, कोई बेच के कहीं और जाकर तो रह नहीं सकता, उन्हें रहना यहीं है, लेकिन क्या है धीरे धीरे सारे मकान बिकते जा रहे हैं यहाँ से। अब होता क्या है कि मान लो मकान 15 का है, ये लोग 20 लाख भी देते हैं, अब कोई आम आदमी यहाँ पे तो सब नौकरी वाले वो तो नहीं दे सकता, तो उसकी वजह से क्या घटती भी जा रही है, घटनाएं सारी बताई दी आपको उन्होंने जो होती है, तो बस दिक्कत यही है कि आगे और बढ़ेंगी, अभी तो एक दो घर हैं, कल को 10 हो जाएंगे 20 हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। क्या नाम है? हर्षित तोमर। यहाँ पर जो पूरा मामला चल रहा है पलायन को लेकर, क्या आपने भी चलते फिरते गली में कोई परेशानी महसूस करी है? हाँ जी। बताओ क्या? जी ये मुसलमान के लड़के आते हैं जी, बड़े बड़े जी, हमें मारते हैं और बदतमीजी बोलते हैं सबसे। मारते हैं? आपने इसकी कोई कंप्लेंट करी है? नहीं बस हमने कुछ कही नहीं, हम देख के इग्नोर कर देते थे, वो बहुत सारे लड़के रहते थे, हम छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे बड़े महिलाएं पुरुष सब लोग यहाँ पर परेशान हैं। पलायन का मामला प्रहलाद नगर में उठा था, मेरठ में, और अब शास्त्री नगर सेक्टर 8 पूरा इस मामले से परेशान हो चुका है। इस मामले की और भी जांच पड़ताल होगी, लेकिन फिलहाल जब लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई इस मामले को सही करने की, इसमें कोई सोल्यूशन निकालने की बात कही, तो उन्होंने भी इन्हें गुमराह करने की कोशिश करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैनर यहाँ पर लगाए थे, ये मकान बिका हुआ है, इसको भी जबरन हटवाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद कई मकानों से तो पोस्टर हट गए, लेकिन अभी भी लोग अपनी बात पर अडिग हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही अभद्र यहाँ पर माहौल बना रहा तो वो जल्द ही अपने सभी मकानों को बेचकर कहीं और उन्हें जाना पड़ेगा, और ये सब होगा दूसरे पक्ष के जो डरा रहे हैं, उन्हें दहशत में ला रहे हैं इस वजह से, क्योंकि कोई भी अपनी मंजूरी से यहाँ पर मकान नहीं बेचना चाहता, अंत में उनके पास ये आखिरी ऑप्शन होगा कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। कैमरा पर्सन नितिन यादव के साथ प्रेरणा तलवार, फर्स्ट बाइट।